एक पैराबल हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी पैराबल हुई, और पहली पैराबल जो है उसमें उसने साइलेंस इज गोल्ड, कॉन्फिडेंस टू फेस द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, इसका लेसन दिया कि एक पर्शियन स्लेव जो है वो समुद्री सफ़र कर रहा है, लेकिन वो समुद्री सफ़र में समंदर को, क्लेमिटीज प्रॉब्लम्स ऑफ सी को पहली बार फेस करता है, जैसे बहुत शोर डाल लग जाता है, वो कश्ती जैसे ही तूफान की वजह से अचकोले खाती है तो मुसाफिर बहुत ज़्यादा तंग होते हैं उस स्लेव के बिहेवियर से। बादशाह कहता है कि इसको खामोश करवाया जाए, एक जहीन बंदा होता है उसको खामोश कराने की कोशिश करता है, पकड़ के उसे समंदर में गोते लगवाए जाते हैं, गोते लगाने के बाद जब वापस उसे कश्ती में लाया जाता है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। बादशाह इस विजडम पे बड़ा हैरान होता है कि ये क्या बात है, तो वो जहीन बंदा कहता है जनाबे वाला पहले से जिंदगी की मुश्किलात के तजर्बात को टेस्ट नहीं किया था, कलेमिटीज ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जो है उसका इन्हें पता नहीं था, अब जब उसको इसको डुबकी लगवाई गई, गोते लगवाए गए तो इससे जिंदगी की हकीकत का, जिंदगी के होने का एहसास हो गया, अब इसलिए खामोशी इख्तियार करके बैठे। तो इस पैराबल में भी उसने यूनिवर्सल आइडिया, यूनिवर्सल लॉज को डील कर दिया, किंग्स के बिहेवियर को भी दिखाया, साइलेंस इज गोल्ड का लेसन भी दिया, और ये भी बताया कि किस तरह इंसान जो है वो अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आता है फेस टू रियलिटी, हार्श रियलिटी अपने उसको कैसे फेस करना। तो शेख सादिक शिराज़ी की तीनों पैराबल्स जो है वो मिलते जुलते थीम्स पेश कर रहे हैं। हाँ, बिहेवियर्स ऑफ किंग्स जो है उसके जरिए से शेख सादिक शिराज़ी जो रूल्स ऑफ लाइफ है, जो रूल्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ के जो है कानून, उनको जो है आपके सामने लेके आ रहा है। तो यही हमारे लेसन का मरकज था कि गुलिस्तान ऑफ सादिक के थीम्स को डिस्कस किया जाए, उसके अंदर क्या थ्योरेटिकल कंटेंट पाए जाते हैं उनको आपके सामने, बाकी आप टेक्स्ट पढ़ें, टेक्स्ट में मजीद और बातें आ जाएंगी, तर्जुमा इसका करें, 15 नंबर का पैराग्राफ आपको पेपर में आता है उसको डील करें, आप पढ़ें।